नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर जिले को 50 लाख रुपये जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न संबंधी घटना हो तो पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति और उम्मीदवारों को और उसमें 20% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, समय समय पर उसकी उचित निगरानी भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी हिदायत दी है कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न मामलों में दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना किसी देरी के जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों और प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग तथा बैनर लगाए जाएं। इसके अलावा प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी के मकसद से हर सांसद व विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय समय पर सेमिनार करना सुनिश्चित करें। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न मामलों में पीछे कारणों का भी पता लगाया जाना चाहिए। कल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।